आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन द गिवन सर्किट फाइंड आउट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। और इनिशियली जो आपका कैपेसिटर दे रखा है वो अनचार्ज है, ठीक है। तो सारे कैपेसिटर जो है, इन सारे कैपेसिटर पे आपका कितना चार्ज फ्लो करेगा, इसका वैल्यू आपसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपका ये जो ये वाला पॉइंट है, इस नोड को मैं मान ले रहा हूँ यहाँ का पोटेंशियल वी है, और इस वाले पोर्शन को मैं ग्राउंड मान ले रहा हूँ, ठीक है। और सब में हम लोग चार्ज निकाल लेंगे। तो इसका चार्ज अगर क्यू वन कह ले, इधर का चार्ज अगर क्यू टू कह ले, और इधर का चार्ज अगर हम लोग क्यू थ्री कह ले, तो हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ से क्या पढ़ रखा है कि क्यू वन प्लस का आपका क्यू टू और प्लस का आपका क्यू थ्री, इन तीनों का सम आपका क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू वन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ का कैपेसिटेंस दे रखा है आपका 1 माइक्रोफेरेड है, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो वी माइनस का 10 हो जाएगा, ओके। तो V माइनस का 10 आ गया, और प्लस का Q2 के लिए बात करेंगे तो यहाँ का आपका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड है, और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V, और यहाँ पे प्लस का 25 होगा क्योंकि इसका पोलरिटी रिवर्स्ड है। और प्लस करेंगे यहाँ का आपका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड है, और यहाँ क्या आ जाएगा, तो V माइनस का 30, और ये आपका जीरो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा V माइनस का 10 और प्लस का हो जाएगा 2V, और प्लस का हमारा हो जाएगा 50 एंड प्लस हमारा हो जाएगा 2v और माइनस का 60, ये हमारा जीरो के बराबर आएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं 2v और एक 1v, तो आपका हो गया 5v के बराबर, और ये हो जाएगा मेरा कितना, तो ये हो जाएगा 60 और ये 10 आपका 70, और 60 और 10 हमारा हो गया 70, 60 10 70, और 70 में से हम लोग ये 50 माइनस होगा तो आपका हो जाएगा ये 20 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो आपका 4 वोल्ट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया, तो 4 वोल्ट के बराबर आ गया। अब हम लोग Q1 निकालेंगे तो Q1 कितना आ जाएगा, तो Q1 हमारा ये वैल्यू था, तो Q1 हमारा आ जाएगा 1, और V का वैल्यू है 4 माइनस का 10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 4 माइनस का 10 मतलब कि माइनस का 6 माइक्रो कूलम के बराबर आ जाएगा। अगर Q2 निकालेंगे तो Q2 कितना था, तो 2 इंटू वी प्लस 5 था, तो 2 और V प्लस 5, V हमारा 4 है, तो 4 और प्लस का कर लेंगे 25 था, ठीक है, 25 था, 5 नहीं था, तो 25 और 4 कितना हो गया, तो 25 और 4 आपका 29 हो जाएगा, और इनटू का कर लेंगे 2, तो ये हमारा आ जाएगा 58 माइक्रो कूलम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला अगर Q3 फाइंड आउट करेंगे तो Q3 कितना आ जाएगा हमारा, तो Q3 हमारा हो जाएगा ये वैल्यू, तो ये वैल्यू कितना है, तो 2 है, और आपका पोटेंशियल है 4, तो 4 माइनस का 3 करेंगे 30 करेंगे, तो 4 माइनस का 30 कितना हो गया, तो 26, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 52 हो जाएगा, ठीक है, 52 माइक्रो कूलम के बराबर, ओके। तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा, ये तीनों के तीनों चार्ज का वैल्यू इन तीनों कैपेसिटर पे आपके निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।